नमस्कार, बिहारी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे मानसून से पहले इस बार नदियां अपने उफान पे हैं, तो क्या फिर इस बार बिहार डूबेगा? इस पूरे वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे बिहार सरकार की क्या कार्य प्रणाली है अब तक बरसात को लेकर, नदियों के उफान को लेकर, और नदियों का क्या जलस्तर है, इसके बारे में हम जानेंगे। बिहार में इन दिनों मानसून एक्टिव नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही बिहार में नदियां उफान पे है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो बिहार में कई ऐसी नदियां हैं जो कि उत्तर बिहार की नदियां खास करके, वो जो है उफान पे आ गई हैं। बताया जा रहा है कि हाल ही में कोसी और कमला बलान अभी ही खतरे के निशान को पार कर गई है। बता दें कि इन दिनों सीमांचल की कई नदियों की जलस्तर में जो है लगातार बढ़ोतरी देखा गया है। कोसी सहरसा में पिछले रात ही लाल निशान को पार कर गई, जबकि कमला बलान का जलस्तर रविवार को झंझारपुर में खतरे के निशान को पार कर गया था। बता दें कि उत्तर बिहार की कई नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इधर मौसम के जानकारों का कहना है कि जिस तरह से नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है, यह आशा के अनुरूप नहीं है। वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि बिहार में जून के महीने में कोसी के साथ ही अन्य नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी देखने को मिलता है, लेकिन इस बार जून के पहले सप्ताह में ही नदियाँ उफान पर आ गई है। बताया जा रहा है कि सीमांचल की कई नदियों के जलस्तर पर नेपाल की बारिश का सीधा असर देखने को मिला है। नदियों पर इसका जो है बारिश को असर साफ तौर पर दिखा, जिसके कारण जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। बताया जा रहा है कि महानंदा और परसमान जैसी बड़ी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जबकि नोनी नदी के जलस्तर बढ़ जाने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसका पानी अब रिहायशी इलाकों में भी घुसने लगा है, जिससे लोग परेशान हो गए हैं। बिहार सरकार भी प्रदेश में बाढ़ की स्थिति को लेकर लगातार अपडेट ले रही है। बता दें कि बिहार में इस बार बरसात के समय सीमा को बढ़ा दिया गया है, मतलब हुआ कि बरसात आने का जो समय था उसमें जो है बढ़ोतरी की गई, यानी कि पहले बरसात का शुरुआत 15 जून से माना जाता था, लेकिन अब जो है इसे 1 जून से ही माना जाने लगा है। ऐसे में बिहार सरकार अभी से ही बाढ़ प्रभावित इलाकों में अपनी निगरानी बढ़ा दी है। बता दें कि पहले बरसात का महीना 15 जून से 31 अक्टूबर के बीच में होता था, जिसे अब 1 जून कर दिया गया है। अगर हम जल संसाधन विभाग के आंकड़ों को देखें तो सहरसा के बलुआही ब्रिज पर बीती रात कोसी खतरे के निशान से ऊपर पहुँच गई, जबकि कुछ ही देर के बाद इसका जलस्तर नीचे आ गया। हालाँकि कई ऐसे इलाके हैं जहाँ का जलस्तर अभी भी बढ़ा हुआ है। अगर हम बिहार में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने बाढ़ की संवेदनशीलता को बढ़ा दिया है। कई स्थानों पर निगरानी को लेकर अधिकारियों को अलर्ट पर रखा गया है। इस बार विभाग ने खतरों को ध्यान में रखते हुए 11 रिटायर विशेषज्ञ इंजीनियरों को इसकी जिम्मेवारी दी गई है, जिन्हें मुख्य अभियंता के परिप्रेक्ष्य में बाढ़ संघर्षात्मक बल के अध्यक्ष के रूप में पदस्थापित किया गया है। बाढ़ के साथ साथ बिहार सरकार इस बार जो है शहरों में जलजमाव को लेकर भी सक्रियता दिखा रही है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि शहरों के अंदर नालों की सफाई और नमामि गंगे के और पाइप लाइन बिछाए जाने के कार्य में भी जो है अब जो है कहा गया है कि आप इसमें जो है ध्यान बरतें। ऐसे में मानसून को देखते हुए आगे बढ़ाने को कहा गया, यानी कि पाइप लाइन जो है बिछाया जा रहा था उसको कहा गया कि फिलहाल के लिए रोक दिया जाए। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि जो कार्य अधूरा है उसे पूरा करें और नई खुदाई पर फिलहाल रोक लगाने की बात कही गई है। एक तरह से कह लें कि जून का यह महीना यानी कि पहला ही सप्ताह है, और ऐसे में उत्तर बिहार की जो नदियां हैं वो उफान पे है, खास करके कोसी, कमला बलान, महानंदा, एक दो छोटी नदियां हैं जो कि कोसी की सहायक नदियों में से मानी जाती है, उन सब के जलस्तर में भी जो है लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। इन सब के बीच में जो सबसे अहम बात यह कही जा रही है कि नेपाल में हुई बारिश के बाद से उत्तर बिहार की नदियाँ खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालाँकि बिहार सरकार पिछले महीने से ही बाढ़ प्रभावित इलाकों को कार जो है रिपोर्ट कार्ड अपने यहाँ मंगवाई है, ताकि इससे यह पता चल सके कि बाढ़ की क्या स्थिति पिछले साल रही है, इस बार किस तरह की तैयारियां की जानी है। तो ऐसे में जिलाधिकारियों से इसको लेकर जल संसाधन विभाग की बैठक हुई थी। अब देखना ये दिलचस्प है कि जिस तरह से बाढ़ की खबरें मीडिया की सुर्खियां बनने लगी है, ऐसे में जल संसाधन विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग और संबंधित जिलाधिकारी और जिला प्रशासन जो है इसको लेकर किस तरह से सतर्कता बरतती है और बाढ़ में कैसे नियंत्रण की बात करती है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।